अल्मोड़ा के एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी ने कहा है कि मतगणना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी दी कि 525 से अधिक पुलिस बल, पैरामिलिट्री और 2 प्लाटून पीएसी को मतगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया है। एसएसपी ने मतगणना के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी किया। ऑपरेशन में हमने मानक के अनुसार सभी सुरक्षा बलों को तैनात किया है। कुल मिलाकर 3 गेजेटेड ऑफिसर्स, 2 टीआई टीएसआई और 7 एसओस एसएचओस, उसके अलावा 5 इंस्पेक्टर्स एंड विभिन्न रैंक के पुलिस कर्मचारीगण को मिलाकर 525 प्लस पुलिस बल का और पैरामिलिट्री और इवन पीएसी बल का उसका हमने व्यवस्थापन किया है। उसमें 2 प्लाटून पीएसी भी सम्मिलित है। ट्रैफिक में कंप्लीट मॉल रोड पर, लोअर मॉल रोड पर डायवर्शन की स्थिति रहेगी। लोअर मॉल रोड पर कंप्लीट नो एंट्री रहेगा बेस तिराहा से हल्द्वानी साइड में और इधर नीचे कटियाड़ी होली एंजल तिराहा के बीच में टोटल नो एंट्री जोन है व्हीकल्स के लिए और आम पब्लिक के लिए भी। इससे पहले एसएसपी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना स्थल में पुलिस बल, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना आगामी 10 मार्च को होनी है। मतगणना को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा विधानसभा स्तर पर मतगणना में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने बताया कि प्रशिक्षण में पोस्टल बैलेट की गिनती को लेकर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मतगणना ड्यूटी में तैनात कार्यकर्ताओं को सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड की कई सीटें जिसपे बहुत क्लोज फाइट होती है, उन सीटों के ऊपर भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बहुत कई बार हमारे यहां देखा गया है कि 2, 4, 5, 10 वोटों से भी सीट की हार और जीत तय होती है। तो बहुत गंभीरता से कार्यकर्ताओं को ऐसा ना हो जीत के उत्साह में हमारा कार्यकर्ता लापरवाही बरत दे, इसलिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि एक एक कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभाए और वो जो जीत का मार्जिन वो जिन सीटों पे कम भी हो सकता है वहां और सतर्कता बरत। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि पार्टी की टीम कंट्रोल रूम से पूरी मतगणना पर नजर रखेगी। विधानसभा क्षेत्र है वहां जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं जो काउंटिंग देखेंगे या जो जिनके पास तमाम सूचनाएं जिनके पास एकत्रित होंगी वो सूचनाएं हमसे जो है इस कंट्रोल रूम में साझा करेंगे और उसी प्रकार से हम उन सूचनाओं को आगे जनता तक पहुंचाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के दिल का सर्वेक्षण कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। उत्तराखंड की जनता के दिल का सर्वेक्षण हमारे पक्ष में है और हम स्पष्ट तौर पर बहुमत पाने जा रहे हैं और सरकार बनाएंगे।